भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन भारत ओवरनाइट स्कोर 256 रनों से शुरू करे। 75 ओवर की आखिरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर शॉर्ट एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर के रीजन में चौका लगाए। 77 ओवर की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर फुल टॉस ऑन ऑफ गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में एक और बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर अश्विन फ्लोटेड अराउंड ऑफ गेंद को फ्रंट फुट आके वाइड लॉन्ग ऑन के रीजन में भारी छक्का लगाए और यह दिन का पहला छक्का। 79 ओवर की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर फ्लैटर एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर के माध्यम से चौका लगाए और इसी के साथ अश्विन और सुंदर के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। 80 ओवर की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर फ्लाइटेड वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर के दिशा में ब्यूटीफुल ड्राइव करके एक और बाउंड्री लगाए और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। 82 ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर गुड लेंथ ऑन ऑफ गेंद को मिड ऑन की दिशा में शानदार ड्राइव करते हुए एक और चौका लगाए। अगली ओवर की पांचवी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन गुड लेंथ अराउंड ऑफ गेंद को कवर की दिशा में ड्राइव करते हुए बाउंड्री लगाए। 84 ओवर की चौथी गेंद पर अश्विन आउटसाइड ऑफ गेंद को खूबसूरत ड्राइव करते हुए कवर के माध्यम से एक और चौका लगाए। 86 ओवर की दूसरी गेंद पर अश्विन मिडिल ऑफ गेंद को लेग साइड खेलने का प्रयास किए लेकिन आउटसाइड एज होकर फर्स्ट लीव और गुल्ली के बीच से थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री गया। अगली ओवर की दूसरी गेंद पर अश्विन फ्लाइटेड ऑन ऑफ गेंद को डिफेंड किए लेकिन गेंद थोड़ा ज्यादा उछलने के कारण एज होकर गेंद हवा में उछला और बटलर डाइव कैच लेकर उन्हें आउट कर दिए जैक लीच के लिए इनिंग का पहला विकेट। 90 ओवर की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर शॉर्टर एंड अराउंड ऑफ गेंद को थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री लगाए। अगली ओवर की पांचवी गेंद पर शाहबाज नदीम शॉर्टर ऑन ऑफ गेंद को डिफेंड किए लेकिन आउटसाइड एज हुआ और फर्स्ट लीप में बेन स्टॉक कैच लेकर उन्हें आउट कर दिए जैक लीच के लिए इनिंग्स का दूसरा विकेट। 92 ओवर की आखिरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर गुड लेंथ एंड अराउंड ऑफ गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से छक्का लगाए। 93 ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान शर्मा फ्लोटेड ऑन मिडिल गेंद को स्वीप करते हुए स्क्वायर लेग दिशा में बाउंड्री लगाए लेकिन अगली ही ओवर की पांचवी गेंद पर ईशान शर्मा शॉर्ट गेंद को डिफेंड करने का प्रयास किए लेकिन एज होकर गेंद हवा में उछला और शॉर्ट लेग फील्डर ओली पॉप कैच लेकर आउट कर दिए जेम्स एंडरसन के लिए इनिंग्स का पहला विकेट। 95 ओवर की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर फ्लोटेड आउटसाइड ऑफ गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका लगाए। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर टॉस अप ऑन ऑफ मिडिल गेंद को गेंदबाजी के सर के ऊपर से छक्का लगाए। अगली ओवर की पांचवी गेंद पर जसप्रीत बुमराह फुल ऑन ऑफ गेंद को डिफेंड करे लेकिन आउटसाइड एज हुआ और फर्स्ट लीप में स्टॉक ने कैच लेकर उन्हें आउट कर दिया जेम्स एंडरसन के लिए इनिंग्स का दूसरा विकेट। भारत अपने पहले इनिंग्स को 337 रनों पर समाप्त किए। भारत के बल्लेबाजों में पंत 91 रन बनाकर अपने टीम के लिए सबसे सफल बल्लेबाज रहे और साथ ही सुंदर 85 रन बनाकर अजय रहकर शानदार खेल खेले। वही पुजारा 73 रन एवं अश्विन 31 रन बनाकर अपना अपना भूमिका निभाए। पुजारा और पंत के बीच 119 रनों का साझेदारी और सुंदर अश्विन का 80 रनों का साझेदारी टीम इंडिया को 337 रन पहुंचाने में मदद मिली। इंग्लैंड के गेंदबाजों में डॉम बेंस 4 विकेट वही एंडरसन आर्चर और जैक लीच 2-2 विकेट लेकर अच्छा खेल खेले। इंग्लैंड दूसरे इनिंग्स को 241 रनों के लीड से शुरू करे। इनिंग्स के पहली ही गेंद पर रोरी बर्न्स फ्लोटेड ऑन ऑफ गेंद को डिफेंड करने गए लेकिन आउटसाइड एज होकर फर्स्ट लीप में रहाणे ने कैच लेकर उन्हें आउट कर दिया रविचंद्रन अश्विन और भारत के लिए इनिंग्स का पहला विकेट और भारत के द्वारा शानदार शुरुआत। पहला सेशन खत्म होने तक इंग्लैंड 2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन बनाए। दूसरा सेशन की पहली गेंद पर लॉरेंस फ्लोटेड ऑन मिडिल गेंद को डीप मिड विकेट के रीजन में बाउंड्री लगाए।
30 ओवर की तीसरी गेंद पर डॉम सिबली फ्लैटर आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर के माध्यम से चौका लगाया। 11 ओवर की पांचवी गेंद पर डॉम सिबली फ्लाइटेड ऑन लेग गेंद को स्वीप करते हुए फाइन लेग दिशा में चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर सिबली स्ट्रेटेड ऑन स्टंप गेंद को डिफेंड किए लेकिन इनसाइड एज हुआ और फर्स्ट लीप में चतेश्वर पुजारा कैच लेकर उनको आउट किए अश्विन के लिए इनिंग्स का दूसरा विकेट। 12वीं ओवर की चौथी गेंद पर जॉय रूट फुल अराउंड ऑफ गेंद को स्वीप करते हुए मिड विकेट की दिशा में चौका लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर जॉय रूट प्लॉटेड ऑन ऑफ गेंद को स्क्वायर लेग दिशा में स्वीप करते हुए एक और चौका लगाए। 15 ओवर की दूसरी गेंद पर जॉय रूट फ्लैटेड ऑन ऑफ गेंद को स्लॉग स्वीप करते हुए मिड विकेट के रीजन में बाउंड्री मारे। इसी के साथ इंग्लैंड का 50 रन पूरा हुआ। 15 ओवर की आखिरी गेंद पर जॉय रूट टॉस अप ऑन मिडिल गेंद को फिर एक और बार स्वीप करते हुए फाइन लेग दिशा में चौका लगाए। 16 ओवर की तीसरी गेंद पर लॉरेंस ईशान शर्मा की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हो गए। ईशान शर्मा के लिए इनिंग्स का पहला विकेट और उनके करियर का 300वां विकेट। ये इंडिया के तीसरे गेंदबाज है जिन्होंने 300 विकेट लिए। इससे पहले कपिल देव और जहीर खान ने लिया था। 18 ओवर की चौथी गेंद पर बेन स्टॉक फुल ऑन मिडिल गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौका लगाए और अगली ओवर की पहली ही गेंद पर बेन स्टॉक फ्लाइट आउटसाइड ऑफ गेंद को ऑफसाइड पुश करने की कोशिश किए लेकिन आउटसाइड एज हुआ और ऋषभ पंत कैच लेकर उनको आउट किए। रविचंद्रन अश्विन के लिए इनिंग्स का तीसरा विकेट। 20 ओवर की पहली गेंद पर ऑली पॉप गुड लेंथ आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर के दिशा में खूबसूरत ड्राइव करते हुए बाउंड्री लगाए। 22 ओवर की पहली गेंद पर जॉय रूट गुड लेंथ डाउन लेग साइड गेंद को फ्लिक करते हुए फाइन लेग दिशा में बाउंड्री मारे। उसी ओवर की चौथी गेंद पर जॉय रूट शॉर्टिश अराउंड ऑफ गेंद को पुश करते हुए बैकवर्ड पॉइंट में चौका लगाए, लेकिन अगली ही गेंद पर जॉय रूट LBW के रूप में आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह के लिए इनिंग्स का पहला विकेट। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर जॉस बटलर फुल अराउंड ऑफ गेंद को फ्रंट फुट आकर डिफेंड करने का प्रयास किए लेकिन इनसाइड एज होकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में चौका गया। 25 ओवर की चौथी गेंद पर जॉस बटलर टॉस अप ऑन मिडिल ऑफ गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से छक्का लगाए। दूसरा सेशन खत्म होने तक इंग्लैंड 27 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों में जॉय रूट फिर एक बार अच्छा खेल खेलकर अपने टीम के लिए टॉप स्कोरर बने। भारत के गेंदबाजों में रविचंद्रन अश्विन शानदार गेंदबाजी करके 3 विकेट हासिल किए, वही ईशान और बुमराह एक एक विकेट लिए। तीसरा सेशन की पहली गेंद पर ऑली पॉप गुड लेंथ आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर के माध्यम से बाउंड्री मारे। 29 ओवर की तीसरी गेंद पर ऑली पॉप फ्लाइटेड ऑन ऑफ गेंद को रिवर्स कवर ड्राइव करते हुए कवर क्षेत्र में बाउंड्री लगाए, लेकिन अगली ही गेंद पर ऑली पॉप फ्लाइटेड ऑन मिडिल गेंद को फिर एक और बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास किए लेकिन कवर फील्डर रोहित शर्मा को कैच देकर आउट हो गए। शाहबाज नदीम के लिए इनिंग्स का पहला विकेट। 39 ओवर की पहली गेंद पर जॉस बटलर फ्लैटेड अराउंड ऑफ गेंद को बैक फुट पुश करते हुए कवर के रीजन में चौका लगाए। इसी के साथ इंग्लैंड का 150 रन पूरा हुआ। 40 ओवर की पहली गेंद पर डॉम बेस शॉर्ट गेंद को एक्स्ट्रा कवर में पंच करते हुए बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर डॉम बेस फ्लाइटेड आउटसाइड ऑफ गेंद को स्वीप करते हुए मिड विकेट के ऊपर से चौका लगाए। इसी के साथ इंग्लैंड लीड्स 400 रन। 41 ओवर की चौथी गेंद पर डॉम बेस शॉर्ट अराउंड ऑफ गेंद को कट शॉट मारते हुए पॉइंट की दिशा में चौका लगाए और अगली ही ओवर की दूसरी गेंद पर जॉस बटलर शाहबाज नदीम की गेंदबाजी में ऋषभ पंत द्वारा स्टंप आउट होकर आउट हो गए।
48 ओवर की पहली गेंद पर डॉम बेस अश्विन की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हो गए, अश्विन के लिए इनिंग्स का चौथा विकेट। 44 ओवर की तीसरी गेंद पर जैक लिच फ्लाइटेड ऑन मिडिल गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका लगाए और 47 ओवर की पहली गेंद पर जफा आर्चर अश्विन के गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। इसी के साथ अश्विन के लिए इनिंग्स का पांचवा विकेट। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर जेम्स एंडरसन गेंदबाज अश्विन को ही कैच देकर आउट हो गए, अश्विन के लिए इनिंग्स का छठा विकेट। इसी के साथ इंग्लैंड अपने दूसरे इनिंग्स में 178 रन बनाकर भारत के लिए 420 रन का लक्ष्य रखे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों में जॉय रूट, पॉप, बटलर और डॉम बेस अपने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करें। भारत के गेंदबाजों में अश्विन ने जबरदस्त गेंदबाजी करके 6 विकेट हासिल करे, वहीं नदीम 2 विकेट लिए और बुमराह एवं ईशान शर्मा एक एक विकेट लिए। भारत 420 रनों का लक्ष्य को पीछा करते हुए दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल शॉट ऑन मिडिल गेंद को पुल करते हुए मिड विकेट के रीजन में चौका लगाए। चौथी ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल फ्लैटर ऑन मिडिल लेग गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में चौका मारे। अगले गेंद में भी शुभमन गिल फुल ऑन गेंद को फाइन लेग दिशा में फ्लिक करते हुए बाउंड्री लगाए। पांचवी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा शॉट ऑन मिडिल गेंद को पुल करने के लिए प्रयास करे, लेकिन टो एंड लग कर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में बाउंड्री गया और अगली गेंद में भी रोहित शर्मा शॉट ऑन मिडिल गेंद को पुल करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाए। लेकिन छठी ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा जैक लिच के गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हो गए, भारत के लिए बहुत ही बड़ा झटका और जैक लिच के लिए इनिंग्स का पहला विकेट। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर पुजारा शॉट आउटसाइड ऑफ गेंद को कट करते हुए कवर पॉइंट की दिशा में चौका लगाए। तीसरा सेशन खत्म होने तक भारत 13 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 39 रन बनाए। भारत को इस मैच को जीतने के लिए और 381 रनों की आवश्यकता है।